और आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन है 2G घोटाले में आरोपी, क्या है नेता नौकरशाहों का ये नेक्सस। सबसे पहले बात ए राजा, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री जिनके रहते हुए ये बड़ा घोटाला हुआ, ये आरोप उन पर लगे जिन्होंने दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। कनिमोझी ये डीएमके की पूर्व सांसद है जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, करुणा निधि की बेटी भी है। उसके बाद नाम आया दयालु अम्मा का जो कि करुणा निधि की पत्नी है, और उसके बाद अब अधिकारी भी इस नेक्सस का हिस्सा बने। सिद्धार्थ बेहुरा पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी जिन पर कई तरह के आरोप लगे, आर के चंदेलिया ए राजा के निजी सचिव हैं जिन पर आरोप लगे, और जिन कारोबारियों के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं उनमें शाहिद बलवा का नाम भी है जो कि स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर हैं, विनोद गोयनका स्वान टेलीकॉम के डायरेक्टर, संजय चंद्रा यूनिटेक के डायरेक्टर, आसिफ बलवा कुसगांव फूड्स एंड वेजिटेबल के डायरेक्टर, राजीव अग्रवाल कुसगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डायरेक्टर, शरद कुमार कलाइंगाल टीवी के एमडी, करीम मोरानी का नाम भी है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, गौतम दोषी रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिकारी हैं, सुरेंद्र पिपारा का नाम भी इसमें शामिल है जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के एमडी हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो हरि नायर का आता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविकांत रुइया, एसआर ग्रुप के वाइस चेयरमैन अंशुमन रुइया, एसआर ग्रुप के डायरेक्टर विकास सराफ एसआर ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इनका नाम भी शामिल है। किरण खेतान कॉरपोरेट प्रमोटर लूप टेलीकॉम के हैं, ईश्वरी खेतान कॉरपोरेट प्रमोटर लूप टेलीकॉम के, तो इनके भविष्य का आज फैसला आना है। और 2G मामले में ये सबसे बड़ा फैसला जिस पर एबीपी न्यूज की नजर दिन भर बनी रहेगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।